जी प्रियंका का राशन पानी रोक दिया गया है। तो आपको बता दें कि तो पूरे परिवार का सरकारी राशन शिकायत करने पर सरपंच ने लोगों के साथ जमकर मारपीट की। अस्पताल में लोग भर्ती हैं। मारपीट में 7 लोग कुल जो है वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमजीएस अस्पताल में घायल भर्ती है जहाँ घायलों का इलाज चल रहा है। तो सरपंच के पिता की दबंगई यहाँ कोटा में सामने आए। अधिक जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मामले से जुड़ी? पाटन के बेलुंगा गांव की घटना है। वहां पर सरपंच ने दबंगई भी हुई है। जिस तरीके से सरपंच के पिता को बोलकर और वहां पर कुछ गुंडे भेजे गए जाते हैं, उसके बाद में वो इस परिवार के साथ में मारपीट करते हैं। कभी गंभीर रूप से घायल है। कोटा के हेल्थ केयर अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। जिस तरीके से मारपीट हुई है वो काफी संख्या में वहाँ पर लोग बताए गए हैं। काफी संख्या में लोगों ने इनसे मारपीट की है। धारदार हथियारों के इनके घाव आए हैं। डॉक्टरों से जब इस मामले पर बात की गई तो उनका सीधे तौर पर कहना था जिस तरीके से चोटें आई है सभी लोगों के चोटें सिरों पर आई है। तो उनके दिमागी रूप से उनके किसी तरीके की कोई गंभीर चोट नहीं है। सभी की किसी स्किन का आई है। पर जिस तरीके से जो मारपीट की गई है वो एक राशन की दुकान पर उनका राशन पानी बंद करने को लेकर ये मामला सामने आया था। प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपके तमाम जानकारी के लिए। शिकायत करने पर सरपंच ने लोगों के साथ मारपीट की। 7 लोग अस्पताल में भर्ती। इटावा से बड़ी खबर, इटावा में